Hey, what is up everyone? My name is Avnav and welcome to Moto Nation. So here we have the Kawasaki Ninja 300 and आज मैं आपको इस बाइक की प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या इस बाइक में एडवांटेजेस हैं और क्या इस बाइक में डिसएडवांटेजेस हैं। By the way, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। And you can also follow me on Instagram. I do a lot of amazing stuff over there. The link is in the descriptions below. So go and check it out. I wake up every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work like I got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns out with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's you lost. See, I got my mind on the facts, I'm a python rap. तो सबसे पहले बात करेंगे इसके प्रोज की कि क्या इस बाइक में एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहला और मेन पॉइंट है इस बाइक का इंजन। इस बाइक की इंजन जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और रिफाइंड है। इसमें आपको इनिशियल परफॉर्मेंस थोड़ी सी एवरेज मिलती है, बट जो इसका मिड रेंज और टॉप एंड परफॉर्मेंस है ना, वो अनबीटेबल है। कोई भी बाइक इसको मैच ही नहीं कर सकती है। पहले ट्विन सिलेंडर के साथ ये इंजन आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती है। टॉप एंड में तो ये बाइक सबको पीछे कर देने वाली है, कोई भी बाइक इसके टक्कर में ही नहीं है। हाँ, बस एक ही बाइक है जो इसको बीट कर सकती है, वो है यामा की R3, बट वो तो इंडिया में आती नहीं है फिलहाल, तो उसका कुछ कह नहीं सकते अभी। तो सबसे जो मेन पॉइंट था वो है इसका इंजन, और सेकंड पॉइंट जो है वो है इसकी लुक्स। एक बार आप इस बाइक को देखो जरा, ये बाइक ना बहुत ही ज्यादा अटेंशन ग्रैब्स करती है। अभी ना जैसे मैं थोड़ी देर पहले शूट के लिए आया था तो कुछ लोग आए और फोटो क्लिक करवाने लगे और बोल के गए काफी अच्छी बाइक है। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना अटेंशन ये ग्रैब करती होगी। लाइक स्कूल के छोटे छोटे बच्चे ना जब देखते हैं तो वो वेव करने लगते हैं। ये बाइक काफ़ी ज़्यादा बल्की लगती है और काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती है। तो ये है बाइक की लुक्स, आप लोग देख सकते हो पीछे से भी काफ़ी प्यारी लुक आती है इस बाइक की। और इसका जो थर्ड पॉइंट है वो है इसका फ्यूल टैंक। इसमें आपको 17 लीटर की फ्यूल टैंक मिल जाती है, जिससे कि आपको बार बार रिफ्यूल नहीं करवानी पड़ेगी आपको बाइक को, क्योंकि आप देखते हो किसी भी बाइक में मैक्सिमम 13 लीटर के टैंक मिल जाती है। जैसे कि RC 390 में पहले 10 लीटर की टैंक आती थी, बट अब उसे 13 लीटर की कर दी गई है। बट इसमें जो आपको 17 लीटर की फ्यूल टैंक मिल जाती है, जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी बाइक्स में आती है, तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं, आप आराम से 300-400 किलोमीटर तक इसको राइड कर सकते हो अगर आप अच्छे से राइड करते हो हाईवे पे तो। और इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो है इसका सीट हाइट। इसका सीट हाइट भी काफ़ी कम है। अगर आप 5'4" के भी हो ना तो आप इसमें आराम से आपके पैर नीचे आ जाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मेरी हाइट 5'9" है तो मुझे तो किसी भी बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट ये किसी भी छोटे राइडर्स के लिए भी ना एक डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। अगर उनको एक बड़ी बाइक चाहिए, बल्कि बाइक चाहिए और फुल फेयर्ड बाइक चाहिए तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलते हैं इस प्राइस पॉइंट में। तो ये था आपका फोर्थ। और इसकी जो फिफ्थ एडवांटेज है वो है इसकी राइडिंग पोस्चर। ये ना स्पोर्टी होने के बावजूद आपको बहुत ज़्यादा थकाती नहीं है। आप इसका जो राइडिंग पोस्चर ना बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप आराम से इसको 500-600 किलोमीटर की राइड पर ले जाके जा सकते हो एक दिन में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आप बिल्कुल भी नहीं थकोगे। तो ये है इसका मेन एडवांटेजेस। तो ये थी इस बाइक की एडवांटेजेस। और अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। वैसे तो इसमें बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं है अगर देखा जाए तो, बट कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस मुझे जो लगती है मैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो मुझे जो इसमें सबसे फर्स्ट डिसएडवांटेज लगती है ना, वो है इसके टायर्स। यार इसमें मतलब क्या ही कहा जाए। अगर आप सोच लो कि आपको एक हिल क्लाइंब करनी है और आपको फॉर्मल शू दे दिए जाए तो आपको कैसा लगेगा, आप चढ़ पाओगे नहीं ना, स्लिप करके गिर जाओगे। तो इसमें जो टायर्स है ना, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि टायर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, बट इस बाइक के लिए ये टायर्स बिल्कुल भी वर्थ नहीं है यार। इसमें अभी तक आपको जैपर्स मिलते हैं MRF के, इवन R15 ने रेडियल टायर प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी है, बट इसमें आपको ओल्ड वाले ही जैपर्स मिलती है यार, जो कि बिल्कुल भी ग्रिप उतनी अच्छी नहीं प्रोवाइड करती है। मैंने इस पर भी लीन कर रखा है, बट जो कॉन्फिडेंस है ना, अगर इसमें मिचलिन की रॉड 5 टायर होते ना तो ये बाइक ना एकदम बीस्ट हो जाती है। आप इसको कॉर्नर पे इतना ज़्यादा लीन कर पाते ना, आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता।
तो ये है इसका जो फर्स्ट मुझे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लगता है वो है इसके टायर्स। तो बट ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप साल भर बाइक यूज़ कर लिए हो उसके बाद आप टायर्स चेंज करवा दो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। मैं कुछ दिनों में टायर्स चेंज करवाने वाला हूँ। और इसकी जो सेकंड डिसएडवांटेज है, वैसे मेरे लिए तो एक ये एक डिसएडवांटेज नहीं है क्योंकि मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट जो लोग रूरल एरियाज से आते हैं वहाँ बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, वो है इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस। तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें 140 mm की ही मिलती है जो कि थोड़ी सी कम है, बट क्या है ना कि ये बाइक जो है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोटरसाइकिल है, तो इस बाइक में आपको ग्राउंड क्लियरेंस अगर ज़्यादा होती ना तो इसकी हैंडलिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती, ठीक है। तो ऐसा है क्योंकि आप देखोगे जितनी भी स्पोर्ट्स बाइक होती हैं सुपर बाइक्स उनमें ग्राउंड क्लियरेंस आपको कम मिलती है, इसलिए क्योंकि वो बाइक ज़मीन से चिपक के चले और कहीं पे भी वो अनकंट्रोल ना हो, इसके लिए आपको हैंडलिंग ना ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से काफ़ी प्यारी मिलती है इस बाइक में। और जो थर्ड जो मुझे इसमें डिसएडवांटेज लगता है वो मैं आपको बाइक पे दिखा दूंगा, मैं फोर्थ बता देता हूँ आपको, वो है इसका मुझे थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक डिसएडवांटेज लगता है क्योंकि ये ना इसमें आपको देखो ये थोड़ा आउटडेटेड लगने लग गया है एनालॉग डिजिटल, वैसे तो ये बहुत ही प्यारा लगता है बट इसमें आपको गियर पोजिशन इंडिकेटर नहीं मिलते हैं, और नई नई बाइक में आपको जितनी भी अब आ रही हैं सब में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलते हैं, तो वो एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। आपको कहाँ रखना है इसे डिसएडवांटेज में रखना है या नहीं तो वो नहीं, बाकी ये बाइक जो है ना फुल्ली रॉ आती है। मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा तो वो है इस बाइक की रॉनेश, ये बाइक ना आपको फुल्ली रॉ मिलते हैं, इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह कुछ भी नहीं, तो आप इस बाइक को ना बहुत ही आराम से चला सकते हो, एकदम मतलब आपको मजा ही आ जाएगा क्या ही कहा जाए। और इसकी जो एक मेन डिसएडवांटेज है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, जब मैं बाइक राइड करता हूँ तो दिखाता हूँ, एक सेकेंड। देखना आप लोग ये बाइक, ये देखो मैं इसकी बात कर रहा था, ये बाइक की ना हैंडल बॉबल होती है यार, कभी कभी तो मतलब अचानक से अगर ये हो ना तो आपको छोटा सा एक हार्ट अटैक आ जाएगा, तो ऐसा होता है इसके साथ, जो कि मुझे लगता है कि ये टायर्स के वजह से, या फिर इसमें आपको 37 mm की जो USD आई मीन जो आपको इसमें 37 mm की फॉर्क्स मिलती है ना इसकी वजह से, अगर निंजा 400 वाले इसमें 41 mm की फॉर्क होती तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। बाकी मुझे ये ऐसा लगता है कि ये इसकी टायर्स की वजह से, क्योंकि इसके टायर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो वो आपको खैर ये बहुत ही ज़्यादा, आप इसको 120 वगैरह पे भी करोगे तो बाकी ये नहीं होती है, बट 60-80 के स्पीड में ये थोड़ी सी होती है, तो जिससे कभी कभी ना अचानक से आप डर जाओगे कि हो क्या रहा है, तो ऐसा होता है इस बाइक के साथ। तो ये थी इस बाइक की कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस, तो आप लोग देख लेना। एक और डिसएडवांटेज है इस बाइक में, वैसे तो ये डिसएडवांटेज नहीं है क्योंकि अगर आप एक निंजा 300 ले रहे हो, क्योंकि एक 4,07,000 रुपये में आपको ऑन रोड पटना में मिलेगी, तो पहले ही आप सोच के रखना कि इस बाइक की आपको मेंटेनेंस और सर्विसिंग काफ़ी महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि इसके पार्ट जो है ना काफ़ी महंगे आते हैं यार, मतलब किसी और भी बाइक से आप कंपेयर करोगे बहुत ही ज़्यादा महंगे आते हैं, और ये तो वैसे भी एक प्रीमियम मोटरसाइकिल है और वो भी कावासाकी की मोटरसाइकिल है, तो इसकी पार्ट जो है बहुत ही ज़्यादा महंगी आती है। इसकी जो फर्स्ट सर्विसिंग की कॉस्ट थी ना वो 6,000 रुपीज़ थी, तो आप सोच सकते हो कि इसकी फर्स्ट सर्विस में वो ज़्यादा कुछ हुआ भी नहीं था, इंजन ऑयल चेंज हुआ था और इंजन फिल्टर चेंज, मोबिल फिल्टर चेंज हुआ था, तो बस और थोड़ी बहुत इसकी वॉशिंग वगैरह हुई थी, तो उसकी कॉस्ट 6,000 रुपीज़ आई थी फर्स्ट सर्विस की, आप सोच सकते हो। और इसके पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, लाइक फ्रंट मडगार्ड जो है ना वो भी 6,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स का आपको पड़ता है विथ फिटिंग, तो ये आप पहले से ही सोच के रखना कि आप एक महंगी बाइक ले रहे हो तो आपको जो है इसकी मेंटेनेंस आपको महंगी पड़ने वाली है। बाकी माइलेज ये बाइक काफ़ी अच्छी दे रही है, हाईवेज पे मैंने इससे 28 किलोमीटर निकाल रखी है जो कि एक बहुत ही अच्छी माइलेज है इस बाइक के हिसाब से अगर देखा जाए तो, क्योंकि इस बाइक ये जो बाइक है ना टॉप स्पीड 140 एकदम इजीली क्रॉस कर लेती है बहुत ही आसानी से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये था आज का पूरा वीडियो। मैं ये बोलना भूल गया था कि ऐसा नहीं है कि इस बाइक में ये जो डिसएडवांटेजेस हैं उसकी वजह से ये बाइक वर्थ इट नहीं है, ये टोटली वर्थ इट है, क्योंकि जो डिसएडवांटेजेस है वो बहुत ही ज़्यादा नहीं है,
बल्कि ये बाइक में एडवांटेजेस उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस बाइक की जो परफॉर्मेंस है ना वो अनबीटेबल है। आपको इतना मज़ा कोई भी और बाइक चलाने में आएगा ही नहीं। इसकी जो राइड क्वालिटी है ना वो तो आपको कोई बाइक में खैर मिलने से रही, बस एक यामाहा R3 ही इसको बीट कर सकती है, बट वो तो अभी इंडिया में आती नहीं है। तो ये बाइक आप आंख बंद करके ले सकते हो, आपको ना आप एक बार ये बाइक चलाओगे ना आपको इससे प्यार हो जाएगा, क्योंकि इस बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है दूसरी बाइक्स के, और टॉप एंड में तो ये बाइक यार क्या भागती है, आपको मज़ा ही आ जाएगा। So that's all for today. If you like the video, give it a thumbs up. Don't forget to subscribe. I will meet you super soon in the next video. Till then, bye-bye. Have a crazy day. See you soon.